हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सजराना। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर्स। फ्रेंड्स, ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने काफ़ी सारे पेड़ मैंने लगा दिए हैं ब्रीडिंग के लिए। तो वन बाय वन आपको इंशाल्लाह शो करवाऊंगा सभी पेड़ का। तो अभी जो आपको मैं पेड़ दिखा रहा हूँ, ये मैंने लगाया है अभी। तो ये जो आपको मादी नज़र आ रही है, ये चार्ली की माँ है, जो इस दफ़ा 3 पॉइंट विनर हुई है। चौथे पॉइंट में वो आउट हो गई थी आंधी की वजह से, आंधी आ गई थी और जिस वजह से कबूतर वो निकल गए थे, आ गई थी लेकिन टाइम आउट होने के बाद शाम को जो है वो 6:45 पे वो वापस आई थी। तो ये उसकी माँ है। इसके साथ ये मैंने एक नर लगाया, ये देखें ग्रीन आई, थोड़ा सा ये एज्ड है। तो जो ब्रीडिंग टिप्स है वो मैंने पहले भी 12 बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कबूतर और कबूतरी में। बाकी अगर कबूतर एक आपके पास अच्छा है, मादा भी अच्छी है, तो आप उसको जुड़े लगा दें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह करम करेगा जी। बाकी एक चीज़ें और भी देखनी होती हैं, तो इसमें हड्डी का ख्याल रखें, इन दोनों में से किसी एक की हड्डी जो है वो छोटी है तो बड़े वाला लगा दें, साथ नर लगा दें। अगर मादा की हड्डी लंबी है छोटी है, तो नर की हड्डी जो आप लंबी हड्डी वाला नर लगा दें, बस इस तरह का कोई चीज़। दोनों छोटी हड्डी वाले नहीं लगाने, दोनों आपने जो है वो कह लें बगलों का ख्याल रखें, उसके बाद पंजों का ख्याल रखें, पंजे ना मोटे हों, लंबी उंगलों वाले हों। इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो इसको मैं अब आपको पकड़ के भी शौक कराता हूँ, इसका देखिएगा आपको कैसे लगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाओ बताइएगा। देखो इसको थोड़ा सा लकवा हुआ है पुराना, इसकी आँख का शौक है। ये इसका पल्ला कुंदा, इसमें आपने ख्याल रखना होता है, ये देखें इसका फाइबर, इसकी शाफ्ट और बगल। कोशिश करें दोनों की बगल जो है वो नर और मादी दोनों की बड़ी हो। अगर मादी आपके पास बहुत अच्छी है, उसमें नुक्स है बगल छोटी का, तो उसके साथ नर जो है बड़ी बगल वाला लगा दें। इसकी तरह ये शाफ्ट का ख्याल रखना होता है, ये ज़्यादा मोटी ना हो, फाइबर जो है वो ये बारीक से बारीक हो, ये देखें ठीक है। उस तरह दुम का ख्याल रखें, बंदुम वाले हों दोनों जो है वो, आप नर और मादा बंदुम वाले हों। अगर एक की दुम खुली है तो उसको कंट्रोल करें, उसके साथ जो बंदुम वाला नर लगा दें या मादी लगा दें ठीक है। इस तरह पंजों का ख्याल रखें, पंजे ज़्यादा मोटे ना हों, टांगे ज़्यादा मोटी ना हों कबूतरों की, और लंबी होनी चाहिए। इस तरह हड्डी का ख्याल रखें, हड्डी कबूतर कम से कम 4 उंगल की होनी चाहिए, 4 उंगली की हड्डी हो नर और मादा दोनों की। अगर एक की छोटी है तो दूसरा जो बड़ी हड्डी वाला लगा दें, बस यही चीज़ें देखनी होती हैं। बाकी जो ब्लड पर डिपेंड करता है, ब्लड जो है वो अच्छा होना चाहिए नर और मादी दोनों का। ये देखिए आपको नर का शौक कराता हूँ, अब अगर मैं आपको नर दिखाऊं तो इसमें जो है वो नर का आप शौक करें। ये ग्रीनिश सी आई है इसके, ये भी ज़रा एज जैसा काफ़ी पुराना नर है। इसके आप देखें पर कुंदा कितना चौड़ा है, कितने चौड़े इसके पर हैं, ये देखें। अभी क्रीच में मोल्टिंग पीरियड भी इनका स्टार्ट हो चुका है, ये देखें। अब इसमें एक नुक्सा, ये देखें दुम की जो इसके 14 पर है दुम की, इसलिए थोड़ी सी ये चौड़ी है इसकी दुम। लेकिन मादा मैंने आपको पहले दिखाई है, वो बिल्कुल बांधुम वाली है, तो ये इसके जो है वो आप नुक्स कह लें, ये दूर हो जाएगा। इसके जो पंजे देख, पंजे दोनों के खुशक हैं, का बनतर चेक करें,
यही चीज़ें पेड़ में देखनी होती हैं। अगर कुंदा मोटा है, ये देख, ये कुंदे जो है बिल्कुल ब्रीक होने चाहिए, ये वाले नर मादा के। अगर किसी एक का मोटा है दूसरा ब्रीक लगा दें तो बच्चे जल्दी उड़ने लगेंगे। मोटे कुंदे वाले भी उड़ते हैं लेकिन उनको ज़रा टाइम लेकर उड़ते हैं। ये देखें ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ईयर का शौक रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।